जी नाज़रीन, अब हम लोग टक्सला म्यूज़ियम से निकल कर अब हम लोग खानपुर डैम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रोड चूँकि मेरा ख्याल है इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसकी वजह से हैवी ट्रैफिक है, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमें काफ़ी स्लो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अभी चूँकि रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है, तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अब खानपुर डैम की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी हैवी ट्रैफिक है, रोड जो है वो साइडों से बाकायदा वो बना रहे हैं नाले भी, और कुछ में लगता है कि कुछ वक्त लगेगा इस रोड को बनते हुए। लेकिन बहरहाल अभी हम लोग म्यूज़ियम से अब हम लोग डैम की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, हम लोग खानपुर शहर पहुंच चुके हैं और चंद ही लम्हों के बाद हम इंशाल्लाह खानपुर डैम होंगे और वहां पर रेस्ट करेंगे सारे, और भूख भी ज़्यादा लगी है, खाना भी खाना है। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला जो आगे की कार्रवाई है वो हम आपको फिर खाना खाने के बाद बताएंगे। कराम, हम लोग भोपाली आए हैं, ये खानपुर डैम के बैक साइड पे है, और ये देखें हम लोग यहाँ अभी हमने गाड़ी पार्क की है। ऊपर नीचे भी पार्किंग है और ऊपर भी पार्किंग है, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। ये देखें खानपुर डैम, आप सामने देखें, ये देखें बहुत खूबसूरत आपको व्यू नज़र आ रहा है, और अब हम लोग नीचे जाएंगे इंशाल्लाह ताला सारे। और ये देखो ऊपर कितना खूबसूरत है, और ये आपको नज़र आ रहा है जी मोबाली, ये मोबाली आपको बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ज़बरदस्त। अभी हमने कार पार्किंग की है और अब हम नीचे रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। ये इन्होंने रोड बनाई है पार्किंग के लिए, और काफ़ी पार्किंग की यहाँ पर फैसिलिटी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी पार्किंग फुल है और यहाँ पर भी पार्किंग जो है वो फुल है। Thank you.
नाज़रीन कराम, इस वक्त हम डैम की जो बैक साइड पे वहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ कश्तियाँ हैं जहाँ पर लोगों को फी कश्ती भी सवार किया जाता है, और उसके बाद अगर आप 15-20 बंदे हैं तो उसके लिए भी उनका एक पैकेज होता है और उस पैकेज के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। 2500 भी मांगते हैं, 5000 भी मांगते हैं कि पूरा राउंड अगर देना है। और इसी तरह ये जो पैरा ग्लाइडर हैं ये वो देखें, इनका तकरीबन ये मेरा ख्याल है 1000+ से ज़्यादा है इनका रेट। तो ये इसी तरह है, अभी जा रहे हैं कुछ लोग, शायद इन्होंने मेरा ख्याल है कुछ कराया होगा और एक पैकेज दिया होगा डेफिनेटली, तो उसके हिसाब से ये लोग सब जा रहे हैं। तो ये एक चक्कर लगाएंगे, उसके बाद ये वापस आ जाएंगे। बहुत खूबसूरत है सनसेट, अभी नहीं है लेकिन उसके बावजूद आप देखें सूरज का जो मंज़र है बहुत ही खूबसूरत है। पानी चमक रहा है, अगर इस वीडियो में आ रहा है तो देखें आप कि पानी पूरी तरह चमक रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे स्टार्स चमकते हैं रात को। तो बहरहाल ये है जनाब खानपुर डैम। और चारों तरफ इसके पहाड़ हैं। जी नाज़रीन कराम, हमने अभी एक बोट कराई है बड़ी, और उसमें हम लोग सारे जो हैं उसको हमने बुकिंग कराया है, और उनका ये था कि जो छोटा राउंड है वो 2500 में और जो बड़ा राउंड है वो 5000 में कराएंगे। तो इसलिए जो रेट हमारा अभी तय हुआ है वो 2500 है और 5000 है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं नाज़रीन कि जब भी आप यहाँ पर आएंगे दुनिया के किसी हिस्से से भी, तो आपको, आपका नाम क्या जी? मामून हसन शाह। मामून हसन शाह साहब से आप आइएगा, मैं इसका डिस्प्ले नंबर भी आपको अपने इसमें ब्लॉग में दे दूंगा। जब भी आप कभी आए यहाँ आए तो इनके साथ रब्ता करें। अभी मूसा जो है वो ग्लाइड करने वाला है, मूसा और मोहम्मद दोनों। ओ मूसा चला गया। Oh,
जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप मोमन जा रहा है जी, आप मोमन जा रहा है जी। नाज़रीन कराम, इस वक्त आप देखें कि सनसेट का एक बहुत ही ख़ूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा है और ये ब्यूटी जो है ये वाकई ज़बरदस्त है और अमेजिंग, इसे हम कह सकते हैं कि ये अमेजिंग ब्यूटी है। जब सूरज तुलू होता है और जब ग़ुरूब होता है तो उस वक़्त सूरज की जो किरणें हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और साथ ये देखें, ये खानपुर डैम का भी आपको मंज़र एक नज़र आ रहा है, ख़ूबसूरत मंज़र, बहुत आला।